अभी बड़ी ज्यादा है, ये देखे आगे पीछे धूप निकल दिया, कुछ नहीं उड़ता, मगर आज धूप भी नहीं निकली, फिर भी थोड़े बहुत गुडिया वगैरह उड़ रही है। अब हम आपको घर जाके मिलते हैं, चल गड्डी स्टार्ट कर। मोड़ गली चेक कर, घर वालों ने होम मेड केक बनाया, अभी केक खा के चेक करते हैं। साथ आ जाओ फिदा, फिदा आपने काटना है कि मैंने? मैंने। चलो फिर काट, मुझे देना। हैप्पी बर्थडे करो, हैप्पी बर्थडे टू यू, काट दो काट दो, जोर लगाओ आज। अस्सलामुअलैकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अभी तक आपने फोटो क्लॉग ज्वाइन है, सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। आज हमारी सीर मुर्गी के साथ पता नहीं क्या हुआ है, अचानक उसका सांस बंद होने लगा है। मुझे लगा है कि कहीं वैसे ही खींच खींच के सांस ले रही है। मैंने उसको पानी वगैरह पिलाया तो फिर भी सांस नहीं सही हुआ है। फिर मैं ना एक लड़के को बुला के ना उसने देखा तो उसने कहा ये तो पोर्ट बंद हुई है। उसके बाद उसने तीन बार पोर्ट साफ करने की कोशिश किया मगर नहीं साफ हुई। मतलब आपको मत सिखा, चल। के बाद हमने गुड़ दिया, गुड़ दे के हमने छत के ऊपर छोड़ दिया। उसने कहा था उम्मीद है सही हो जाए वरना फिर अल्लाह का हुक्म है, ऐसा ही हुआ। बाद में मैं अस्पताल लेके गया, रास्ते में जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। अचानक ना वो ना हमने ना छापड़ के अंदर डाली थी, उसका मुंह जोन सा था ना छापड़ के अंदर सुराख करके उससे बाहर निकाला, तो अचानक उसका पड़ फंसा तो ना फड़ नहीं फंसा ऐसा ही थी, बिल्कुल बैठी थी। अचानक वो फड़फड़ाने लग पड़ी, मैंने बाहर निकाला और सामने से पानी दिया, कूलर लगा था और पता ही नहीं चला, मौका ही नहीं दिया उसने जिबा करने का, तो उसी टाइम ही उसकी जान निकल गया। अभी हमने अपनी रानी को दाना डालना है, उसके बाद हमने लैला मजनू को पट्ठे भी डालने हैं। मजनू को ना ज़्यादा खाने की वजह से ना बाद हजमी हो गई है, जिसकी जो उनसे ये बाल्टी के अंदर मैंने दाना डाल लिया था। अभी काफ़ी बड़ा है, असील मुर्गी के नसीबों में तो नहीं हुआ कि टीके। अब रानी को डालते हैं और थोड़ा सा लैला मजनू को भी डाल देंगे। वो मेरे ख्याल से मैंने रानी को डालना, उन्होंने बा के देखना आके उन्होंने अपना पट्ठे छोड़ने और इन्हों का दाना खाने ला पड़ना। ये देखें उन्होंने अपने पट्ठे छोड़ दिया और जो सी हमारी रानी है उसका दाना खाने ला पड़े। अभी इन्हों के पट्ठे वगैरह भी मैं सारा लेके आ गया, अभी दोबारा इन्हों को पट्ठे डालते हैं। अभी मैंने समी को कुछ नहीं बताया कि मुर्गी सही है, उसको ये भी नहीं था पता कि उसने अंडे दिए हैं या नहीं। मैंने उसको बताया था कि अंडे देने वाली, अभी उसके जाके रिएक्शन नोट करते हैं। उसके बाद हमने फिर जो उनसे तीन अंडे हैं वो अब किसी काम के नहीं रही, रानी तो कुड़क में बैठती नहीं है। सिर्फ मैंने असील मुर्गी खास तौर में इसीलिए ली थी कि वो अंडों पर बैठेगी तो हमारे पास छोटे छोटे चिक्स आएंगे, मगर ऐसा हुआ ही नहीं था। कि मैंने अभी कहा था कि रानी और लैला और मजनू ने रानी को खाने नहीं देना, अभी रानी को लैदा प्लेट में दाना डालते हैं और इसके बाद इसको वो जो सा पड़ाने वाला हमारा पिंजरा उसके अंदर डाल देते हैं, इतना होर डाल देते हैं तकरीबन, इसके लिए काफ़ी है, इतने थोड़ा सा खाना है और इसका पेट भर जाना। अभी इसको पकड़ते हैं और पहले इसके अंदर दाना रख देते हैं। मैंने इसकी सारी सफाई वगैरह कर दी थी और डिटॉल के साथ इसको अच्छी तरह साफ कर दिया था। ये देखें कल मैंने इसको बंद किया था, मैंने कहा कई असील मुर्गी बीमार हुई या कभी यही ना बीमार हो जाए, अभी इसको पकड़ते हैं और अंदर छोड़ते हैं। मैंने पकड़ लिया, अभी इसको पिंजरे के अंदर छोड़ते हैं और इसने 5 मिनट के अंदर सारा सफाया कर दिया। ये सूखती जा रही है, पता नहीं क्या है इसको, मैं इतना दाना देता हूँ, मैं 2 टाइम दाना दे रहा हूँ, सुबह और शाम टाइम और दोपहर टाइम इसको बाहर छोड़ देता हूँ। ये देख अभी इसको अंदर छोड़ते हैं, अंदर जाती नहीं है, डरती है अभी, ये देख दाना खाना इसने शुरू कर दिया। अभी 5-10 मिनट तक इसने दाना खा जाना, अभी हमने नाश्ता भी करना है। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, लैला मजनू को पट्ठे डाल के फिर हम अपना नाश्ता करने चलते हैं। किचन में मैं आ गया हूँ, रानी को बंद करके ऊपर मैंने कहा दाना वगैरह जब खा लेगी तो बाद में बंद कर देंगे, अभी देखते हैं कि घर वालों ने क्या बनाया है। रात को तो हमने कढ़ाई खाई थी, ये अभी भी थोड़ी सी पड़ी है, अभी खीर पकड़ते हैं। खीर तो मैंने पकड़ लिया, अभी चमची धोते हैं और फिर खा के चेक करते हैं कि कैसे की बनी है। अभी समी का हम रिएक्शन लेने आया, अभी मैंने जैफा को सारी बातें बता दिया और समी वो सामने खड़ा है, अभी उसको बुलाते हैं और बताते हैं कि मुर्गी मर गई है। इसके साथ हम सही ले गए तो मुझे नहीं यकीन आ रहा कि मुर्गी मर गई है अचानक जाते वक्त। अभी समी को बुलाते हैं और उसका रिएक्शन चेक करते हैं। अभी मैंने समी को बाहर नहीं बताई, समी एक बड़ी दुख की खबर है।
मुर्गी मर गई सच्ची मुची उड़ा पोटा बंद है सही गल सही है। कल मैं गया वा घर गया सुबह टाइम उन्हें आंडा दिता 3 घंटे दे छड़े से ते पोटा पांदे आ मैं सत्ता लैके आ मतलब स्टील आलियां दे कोल ही अपनियां छापड़ च पाई सी मूँह मैं बाहर रखिया अचानक तरफी है ते मैं बाहर कढ़िया वो इन्नी फड़फड़ाई है कि मैनू समझ ही नहीं आई मैं पानी पाया उधर ही दम तोड़ सुन के बड़ा दुख हां आगे बोलना नहीं पता ए भाई पता नहीं पता भाई कंजे दा पोटा बंद होया सी वो जरा दाना सी नहीं लिया फीड कितने मेरे ख्याल ना वो खाने की वजह तेरा पोटा बंद हो मैं वो जाइया नुवाइए तो उन्हें 2-3 हरी पोटा साफ करने की कोशिश की है मगर खाली पानी बाहर आता सी दाना बाहर आया ही नहीं बाद फिर मैं क्या अज अस्पताल ले जाएंगे रात जाते जाते उन्हें दम तोड़ छड़े और कितनी नवा पोटा साफ कराया 3 हरी मैं पोटा साफ कराया मैंने दुख वाली सारी खबर सुना दी है कि मुर्गी सारी मर गई है हम जब लाए थे मुझे तो नहीं था पता कि मर जाएगी उधर बिल्कुल ठीक थी उधर भाग रही थी हमने मुर्गियों के अंदर छोड़ा भी था मैं हमने मुर्गियों के ऊपर छोड़ा है तो फिर उनको मारने लग पड़ी थी मेरे ख्याल से ना वो उनको ना आटा और नमक देते हैं जिसकी वजह से उसकी पोट बंद हो गई वरना उसने मरना नहीं था 3 अंडे थे जिसमें से मैंने 2 खा लिया एक घर पड़ा अभी बच्चे तो निकलने आए नहीं अभी हमने अपना मॉडल पेपर लेने जाना है 10 क्लास का पहले भी मैंने 10 क्लास के मॉडल पेपरों से तैयारी की है और मॉडल पेपर से आसानी हो जाती है तैयारी करने से सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बंदा जोन से इम्पोर्टेंट है वो काट लेता है अभी हवा बड़ी तेज़ है तुमने क्यों मॉडल पेपर से तैयारी की मॉडल पेपर की तैयारी ना सही हो जाती है नंबर भी ना सही पास होने से ज़्यादा ही आ जाते हैं 3 महीना लगता है तैयारी करने में तो आसानी के साथ बंदा तैयारी काट लेता है अभी हम मॉडल पेपर लेने चलते हैं बाजार में अभी बड़ी ज़्यादा है ये देखें आगे पीछे धूप निकल दिया कुछ नहीं उड़ता मगर आज धूप भी नहीं निकली फिर भी थोड़े बहुत गुड़ियाँ वगैरह उड़ रही हैं आपको नज़र नहीं आ रही होनी अभी अजाने भी होने लगे अब हम जल्दी से जाते हैं और फिर मॉडल पेपर बाजार में जाके आपसे मिलते हैं कि मॉडल पेपर मेरे ख्याल से तकरीबन 400-500 के 2 ही हम जो उनसे मेन मॉडल पेपर है ना साइंस और मुतालिया का वो ही ले कर चलते हैं अभी हम पहुँच गया मोटरसाइकिल हमने यहाँ लगा दी अभी मॉडल पेपर वाली दुकान से जाके पूछते हैं कि कितने का देर है पेपर वाली दुकान पे पहुंच गया अभी पूछते हैं कि कितने का देर है भाई साइन का मॉडल पेपर है 10वीं उर्दू साइन के नाल मुताली आला हाँ बेटा अब हम आपको घर जाके मिलते हैं चल गाड़ी स्टार्ट कर मोड़ गली चेक कर पेपर मैं ले आया अभी घर वालों ने होममेड केक बनाया अभी केक खा के चेक करते हैं साथ आ जाओ फिजा फिजा आपने काटना है कि मैंने चलो फिर काट मुझे हैप्पी पार्टी करो हैप्पी बर्थडे टू यू कर दे जो लगाओ आज सॉफ्ट कितना है डे टू यू इधर दो मैं काटू बाकी मैं काटूंगा हैप्पी बर्थडे टू यू
कल बेली को भी दे कल। बस बस इतना काफी, पहले पिज्जा खा। कैसे का बना? मजेदार बना वैसे। अभी कल भी अली को खा के, कल भी अली कैसे का? कल भी अली ने नहीं मैं खाना, मैं खा के जा। माशाल्लाह के साथ मजेदार बना। अब यहाँ इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ध्यान रखिए।